हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास +2। कैसे भी आप सब, कल आपका ट्रायल लिया था हमने। यहाँ पे हमने दो बच्चे बिठाए हुए भी हैं, हम उनकी शक्लें दिखा सकते हैं आपको। सरदार जी हैं और पांडे जी, और दीवांशु जो लोकल है वो भी हम बुलाएंगे। कुछ बच्चों को हम बुला सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल लोकल हैं। और स्पेशली आज सबके पेरेंट्स से मेरी बात भी हुई है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो 2 दिन में डाउट्स लेने के लिए आए तो ज़रूर आए। ये चैनल आपने शेयर नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने सिर्फ आप बच्चों के लिए बनाया है। तो आपको पता है कि मैं पढ़ाई से वैसे ही ऑनलाइन तो दूर रहता हूँ, ऑफलाइन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके साथ। ठीक है, तो हमारे अपने बच्चों की बात हो, तीसरे को हम शेयर करें, मेरे दोस्त को, फ्रेंड को, तो क्या मतलब समझ ही नहीं आएगा हमारी बात क्या चल रही है। ठीक है, तो अपने तक रखें बात, हम अपने तक रखेंगे, किसी को हम शेयर नहीं करेंगे, हम अपने तक बात रखेंगे। हमने आपको, चलो बात शुरू करते हैं अब। हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 तक काम करवा दिया, और बच्चों ने सारे एग्जाम्पल नंबर 7 तक काम किया भी है। एग्जाम्पल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सबने काम कर लिया है। कोई भी उसका डाउट होगा आप जरूर मुझसे पूछेंगे। देन आज हम आगे स्टार्ट करते हैं 8, 9 और देन सुपर प्रॉफिट मेथड 9, 10, 11, 13, 14, 15 तक आज हम काम करेंगे। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बच्चों कि हमने जो ये चैप्टर है अप टू फ्राइडे, सरदार जी, हाँ जी, फ्राइडे तक ये चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करवाना है, और हम आपको कंप्लीट जरूर करवाएंगे। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो काम की बात शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अपनी किताबें साथ में रखें। आई रिक्वेस्ट, अपनी किताबें साथ में रखें। मैं आपके सामने ही हूँ और आप मेरे सामने ही बैठे हो, वैसे ही हमने एनवायरमेंट पूरा क्रिएट रखना है। तो आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, जरा हम उसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम, क्या बात है? सबसे पहला क्वेश्चन कि ये आपका वही पुराना मेथड वेट मेथड है। आई रिपीट अगेन, ये आपका वही पुराना मेथड वेट मेथड है, इसमें 1, 2, 3, 4 वेट। और हमने आपको एक और बात बताई थी, वेट मेथड वहां यूज करते हैं जहां कॉन्टिन्यू आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो या कॉन्टिन्यू आपके प्रॉफिट क्या हो, डिक्रीज हो। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपका यही कहता है कि आपके वेट मेथड इस क्वेश्चन के अंदर लगना है। तो क्यों ना पहले, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस बुक के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं करना, जैसा फॉर्मेट मैं सिखाऊंगा वैसा आपने क्वेश्चन को करना है, यही हमने सिखाया था आपको। तो हम उसी तरीके से इसको आज हम स्टार्ट करते हैं जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो आप भी कॉपी में अपने साथ प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पढ़ाई से दूर नहीं होंगे। आप इंस्ट्रक्शन सारी बता दी गई हैं, सबके पेरेंट्स में मैंने कॉल कर दिया है कि कैसे हमारी बात चलेगी। एग्जाम्पल नंबर 8 और आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई से दूर नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, ध्यान से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम ईयर बना लेते हैं कि ईयर कौन कौन से है। स्टार्ट जी, किताब दीजिए अपने वाली, नए वाली, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। आप इसे चेक करेंगे पांडे जी। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, द 3 ईयर परचेज ऑफ वेट एवरेज प्रॉफिट, पेंसिल से अंडरलाइन। ये बात भूले ना, 4 दिन की छुट्टी में मत भूल जाना कि अंडरलाइन नहीं करना पेंसिल से। पास्ट 4 ईयर्स द एप्रिशिएट वेट्स टू बी यूज्ड टू ईच अदर 31st March 2018, 1, 2, 3, 4 and the profit of the 18 to 20,200, 19, 24,800, 2020, 20,000 and 21 is a 30,000 rupees. तो क्यों ना पहले हम यहाँ पे इन जो 4 ईयर्स आपको गिवन है इनका फॉर्मेट बना लिया जाए। आपको सिखाया गया था कि कोई भी फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, विदाउट फॉर्मेट आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये चीज मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ये आपका काम यहां पे लिखना है, पर्टिकुलर आपके इयर्स, आपके इयर्स हैं आपके 18, 19, 2018, 2019, 2020 and 2021। सिद्धार्थ जी, आपकी किताब में ईयर चेंज है क्वेश्चन से, ठीक है पांडे जी, आपने इस तरह से इसको करना है। ये आपके 4 ईयर्स आपको गिवन है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अब हम आगे लेके चलेंगे और हम इसको करेंगे। ठीक,
तो पहले हम इनके इयर्स के प्रॉफिट्स ही लेते हैं। प्रॉफिट्स हैं आपके 20,200, हम पर्टिकुलरली प्रॉफिट लिखेंगे 20,200। देन नेक्स्ट है 24,800, हाँ जी, एंड देन नेक्स्ट है 20,000, देन नेक्स्ट है 30,000। अब आप क्वेश्चन राइज करेंगे मेरे साहब कि भैया यार आपने तो ये कहा था कि प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होता है, ये बात कही थी सरदार जी, लेकिन यहां तो आपका एक साल डिक्रीज भी हो रहा है। अरे ये आफ्टर एडजस्टमेंट देखना है, कैसे देखना है? आफ्टर एडजस्टमेंट, जब एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके बाद आपने देखना है कि आपके लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात सेशन, आपको गुडविल चैप्टर में भी सिखाया गया था, जब से मैंने चैप्टर गुडविल स्टार्ट करवाया था तभी मैंने कहा था सेशन, सेशन का जितना ध्यान रखोगे उतना आपका प्रॉपर चलेगा काम। नए बच्चों को मैंने बताया था सेशन का ध्यान जरूर रखना है कि किस सेशन की बात आपके साथ की जाती है। तो चलो जी पहली एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं, क्या एडजस्टमेंट है हमारी। ऑन द 1st December 2019 अ मेजर रिपेयर वाज रिस्पेक्ट टू द प्लांट इनकरिंग द 6000 व्हिच इज द अमाउंट वाज चार्ज्ड टू आवर रेवेन्यू। प्लांट, प्लांट एक हमारी एसेट होती है। आपके फर्स्ट टू पेजेस के अंदर आपको स्पेशली सिखाया गया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एसेट खरीदी जाएगी वो क्या होगी, एड, कोई भी एसेट सेल होगी वो क्या होगी, लेस होगी। लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल का आपकी गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लॉसेस सारे ऐड होते हैं, प्रॉफिट सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, माइनस होता है। ये सारी बातें आपको फर्स्ट डे ही सिखा दी गई थी। तो चलते हैं टू 1 दिसंबर 2019 की बात हो रही है, तो आप बताएं सरदार जी 2019 कहां पे आएगा, आप सब बताएं, सोचो मन में जल्दी, हाँ जी कहां पे आएगा, कशिश जी, दीपांशु कहां पे आएगा भाई, ये आएगा किसमें, 1st मार्च 2019 से लेकर 31st मार्च 2020, यानी 1920 में आएगा। तो 1920 कौन सा है आपका, 2020 आपका 1920 है। सेशन, सेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं ऐड, ऐड कर दिया प्लांट परचेज, कितने का प्लांट है जी, कितने का पानी, सॉरी 6,000 रुपीज का आपका प्लांट है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आगे क्या लिखता है, कहता द पेड सम एग्रीमेंट कैपिटलाइज्ड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन 10% रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। कौन सा मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मतलब जो हर साल चेंज होता है, क्या होता है, जो हर साल आपने प्लस वन से बच्चों को, पुराने बच्चों को भी, नए बच्चों को मैंने बता दिया है जो मेथड हर साल चेंज होता है उसे हम बोलते हैं। चलिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट्स आपके नीचे रहेंगे, मेरे यहां पे रहेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर वन आपका किसका है, डेप्रिसिएशन। आपने खरीदा था 1st December 2019 से लेकर 31st March 2020 तक का डेप्रिसिएशन। पहले तो यहां तक का डेप्रिसिएशन देखेंगे आप, 6000 10/100 4/12। भैया 4/12 क्यों लगाया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, चार महीने हो गए, इन चार महीनों का डेप्रिसिएशन 200 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 200 रुपीज। तो ये लीजिए लेस डेप्रिसिएशन 200, ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब माइनस का साइन है। और नेक्स्ट ईयर तो रिटर्न डाउन बोला है, तो हर साल चेंज होता है, तो नेक्स्ट ईयर आपका साल चलेगा 1st April 2020 टू 31st March 2021। 6000 की चीज सब दिखाना है, 2000 चला गया, 5800 इसका 10% आ गया 580, कितना आ गया 580 रुपीज। मैंने आपको पहले भी सिखाया हमारे बच्चों को, भैया आपका नलायक है, भैया आपका नलायक है, उसको सिखाओ, उसको सिखाने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स। तो अगले साल आपका डेप्रिसिएशन आया 5,80,000, सॉरी
580 और साथ में लिखना है नोट नंबर वन। क्या बात है बच्चे, नोट नंबर वन लिखा है पेंसिल से, यहाँ नोट नंबर वन लिखा जाएगा आपके एग्जामिनर के ऊपर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। पता नहीं वो कौन से मूड में आएगा, अपने घरवाले से लड़के आएगा और यहाँ पे आगे पेपर देखेगा, क्या बात है बच्चे ने बड़ा अच्छा पेपर कर रखा भाई। तो प्लीज इस छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये मेरे सारे बच्चों को पता है, जितना ध्यान रखेंगे उतना बढ़िया काम चलेगा। तो देखिए 200 ऐसे कितना आ गया 580 रुपीस। डन, तो चलते हैं अगली बात पे। द क्लोजिंग स्टॉक 2019 की बात हो रही है, 19 आपका ये साल है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 वाज ओवरवैल्यूड बाय 2400। ओवरवैल्यू, चलो इसका एक देसी एग्जांपल लेते हैं, अपने कथा सुनाते हैं। चीनी कोरोना चल रहा है, आगे मम्मी ने स्पेशली बोल दिया बेटा कोरोना चल रहा है, ऐसा करो 5 किलो चीनी फालतू ले आओ। फालतू ले आते हैं, इस जो हमारे रसोई के अंदर जो डिब्बा पड़ा है उसके अंदर तो सिर्फ 5 किलो चीनी आनी चाहिए, 4 किलो आती है उसके अंदर, लेकिन हम तो 5 किलो फालतू लेके आए हैं। तो वो क्या करेंगे, किसी और डिब्बे में डाल देंगे, किसी और डिब्बे में एडजस्ट कर देंगे, और डिब्बे में डालना मतलब कैरी फॉरवर्ड, अगले डिब्बे में डाल देंगे, ऐसे अकाउंट्स में उसको बोलेंगे अगले ईयर में डाल देना। इस साल मेरा स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, मतलब मैं 2400 रुपए की चिन्नी फालतू ले आया इस महीने। तो वो क्या कहेंगे, कहाँ यूज करेंगे, अगले महीने यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो ईयर की बात हो रही है, तो उसको कहाँ यूज करेंगे, अगले ईयर में यूज करेंगे। और ये बात आपको लिखवाई भी है, ओवर वैल्यू स्टॉक जिस साल ज्यादा लगता है उस साल लेस, और उससे अगले साल में क्या हो जाता है एड, क्योंकि अगले साल का वो ओपनिंग बन जाता है। क्या बन जाता है ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाता है ओपनिंग। तो लेस ऐसे लिखेंगे, लेस ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिखना है ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। किस साल की बात हो रही है, 19 की बात हो रही है, तो 19 के अंदर इसको 2400 में क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा माइनस, और इसी चीज को अगले साल में लिख दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनता है ओपनिंग बनता है। कि पिछले साल पिछले महीने की चिन्नी को तुम फेंक देते हो घर में, नहीं मम्मी एक्सपायर होगी भी ना होगा, नहीं बेटा अगले महीने यूज करेंगे उसको। तो वही चीज अगली बार भी ऐसे लिखा जाएगा, ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, क्या वर्ड यूज करेंगे ओवर वैल्यू, पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का क्या बन जाता है ओपनिंग बन जाता है। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, वही सेम वैल्यू 2400 नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी एड हो जाएगी। ओके पाजी समझ आ गया पांडे जी, हाँ जी दोनों प्लस टू ओल्ड प्लस टू बिठाई गई साथ में, ये बच्चे हमारे साथ में यूट्यूब के लिए हेल्प कर रहे हैं। द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस, मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब होता है मैनेजर को पैसे देना, मैनेजमेंट के लिए कोई भी वही आप बिजनेस में पढ़ रहे हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कितना कुछ पढ़ रहे हैं, वो मैनेजमेंट ही है। उसके लिए जो खर्चा होगा हर एनुअल चार्जेस हर साल 4800 रुपीज शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कितना बड़ा वर्ड लिखा है कि गुडविल की वैल्यूएट करने के लिए, गुडविल के लिए 4800 रुपीज हर साल खर्च होते हैं एनुअल, पर एनम लिखा होगा या एनुअल लिखा होगा, तो आपको वो हर साल लेस करना है मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट कितना है 4800 माइनस 4800 माइनस 4800 माइनस और 4800 माइनस। ठीक है जी, ये देखो ये चार बात आनी थी। सबसे पहली बात थी कि 1 दिसंबर को आपने प्लांट खरीदा, प्लांट आपकी एसेट है, मैंने ऐड कर दिया, बट भैया तो हमारा नलायक है, उसको सिखाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड लगेगा, क्योंकि जो हर साल क्या होता है चेंज होता है। तो मैंने डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट्स के बिना नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल में, मैडम एक काटेगी मैं दो काटूंगा और डंडे अलग रखूंगा, ये ध्यान रखना। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है 200, लगा दिया
अगले साल तक पूरे साल चलनी है, फुल ईयर चलनी है 2021, तो उसमें पूरे साल कर लाएंगे, 6000 में से 200 माइनस करके आपकी 5800 बचती है, 5800 10 बाय 100 आप उसको सॉल्व करेंगे 580 आएगा, तक लो लगा दिया। अगर नेक्स्ट ईयर भी होता भाजी तो क्या करते, अगले साल 5800 में से 580 और माइनस कर देते, जो बनता उस पे लगा देते। चलो जब अगली बात आई ओवर वैल्यूज, चीनी एग्जांपल दिया आपको, चीनी जैसे एग्जांपल की इस महीने चीनी फालतू ले, मम्मी कहती है हफ्ते का लॉकडाउन लग गया, ऐसा कर आगे ना लग जाए चीनी फालतू ले, तो उस चीनी को हम कहां डालते पांडे जी, आज ही शॉपिंग करने आए हैं पांडे जी, मैंने फोन किया था, कहां थे पांडे जी, राशन लेने फालतू ले आए ना, फालतू लाए, वेरी गुड, क्यों लाए अगले साल, क्यों लाए आप, कहां डाल दिया, नए डब्बे में डाल दिया, मम्मी कहते हैं अगले संभाल के रख लो, तो ओवर वैल्यू हो गया, क्या हो गया ओवर वैल्यू, तो इस साल इस महीने इस हफ्ते के लिए तो माइनस और अगले हफ्ते के लिए क्या हो गया प्लस, हम यहाँ पे ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो चीनी वाला एग्जांपल राशन वाला दिया तो हर घर में चल ही रहा होगा आजकल, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट पोस्ट के एनुअल चार्जेस, एनुअल होता है जो हर साल चलते हैं, एनुअल 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 हर साल, तो हमने माइनस कर दिए, तो उसके बाद आप टोटल करेंगे, नीचे आप लोग बॉक्स बनाएंगे, यहां लिखेंगे टोटल नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका सारा कुछ ऐड प्लस माइनस करके ये आएगा 15400, देन आपका आएगा 17600, देन आपका आएगा 23400 और देन आपका आएगा नेक्स्ट 24620। अब आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक्स में, चेक कर सकते हैं बोर्ड में, चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट ये देखिए इंक्रीज ही होगा ईयर बाय ईयर, क्यों भैया इंक्रीज हो रहा है आपका प्रॉफिट ईयर बाय ईयर, क्या हो रहा है इंक्रीज। तो एक नंबर का क्वेश्चन प्रूव हो गया कि आपका वेट मेथड जब लगता है, जब आपका प्रॉफिट पर ईयर क्या वो इंक्रीज होगा तभी आप, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। देन इसके बाद क्या करना है, बस प्रॉफिट से वेट 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा, इतना तो आता है, वेट लिख लिया सर जी, और 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, आपका डिवाइड करके उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ परचेस कितने हैं आपके 3 है, तो 3 से क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आसान सा काम है, मिनट में चार नंबर फ्री, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, तो उठा लो जहां मर्जी पड़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने बहुत अच्छी बात करनी है, सेम ये जो बच्चे इस टाइम ऑफलाइन है ऑनलाइन